Good morning, my dear students. I hope you all are fit and fine. I welcome all of you in our English class. Students, in our today's class, we will do active and passive voice. We will learn what is active voice and what is passive voice and how we can change the sentences which are in active voice into passive voice. Today, we will discuss only two tenses, conversion of two tenses from active voice to passive voice. Tenses are simple present tense and simple past tense. Okay, students? So please watch the video carefully and listen to me attentively. So let's start it. First of all, what is active voice? Active voice kya hoti hai? In active voice, subject performs the action and object receives the action. Students, active voice में क्या होता है? जो subject है, वो action perform करता है और जो object है, वो action receive करता है. This thing you already know that कोई भी sentence हमारे पास होता है, उसमें subject भी होता है, उसमें action भी होता है, उसमें object भी होता है. तो like for example, in this sentence birds make nests. Now in this sentence, let's see what is subject. Subject क्या है? Birds. Birds क्या है? Subject. और object क्या है? Nests. And make क्या है? Verb. Action. क्रिया. ठीक है? इस sentence में what is the subject? Subject क्या है? Birds. Birds is a subject. Make is verb. Nests is object. Clear? Now students, in active voice, sentence structure is very clear. Subject, verb and object. Clear everybody? Active voice में जो subject है वो action perform करता है और object उस action को receive करता है. For example, मैंने आपको दी birds make nests. जो birds है वो nests बनाते हैं. यहाँ पे birds जो subject है, make verb है and nests object है. और sentence structure is very simple. Subject, verb and object. Now let's see passive voice. In passive voice, receiver of the action get more importance than the doer of the action. अब passive voice में क्या होता है? कि जिस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो रिसीवर है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. किससे ज़्यादा दी जाती है? सब्जेक्ट से. मतलब कौन एक्शन कर रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना ये इम्पोर्टेंट होता है कि वो एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है, कौन उस एक्शन को रिसीव कर रहा है. ठीक है? अब इसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो रिवर्स हो जाता है. पहले था सब्जेक्ट, एक्शन, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट. अब क्या है? ऑब्जेक्ट, एक्शन एंड सब्जेक्ट. रिवर्स हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स मेक नेस्ट्स, ये एक्टिव वॉइस में है. बर्ड्स मेक नेस्ट्स, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. व्हेन वी कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ये क्या हो जाएगा? नेस्ट्स आर मेड बाय बर्ड्स. अब नेस्ट्स जो सब्जेक्ट था, सॉरी ऑब्जेक्ट था, वो आगे आ गया. ऑब्जेक्ट रिवर्स कर रहे हैं हम. देन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या है सेंटेंस स्ट्रक्चर? ऑब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय प्रेपोजिशन एंड देन सब्जेक्ट. क्लियर स्टूडेंट्स? इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन. जो एक्शन रिसीव कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर एक्शन, फिर सब्जेक्ट. ठीक है, ये एग्जांपल भी हमने प्रीवियस जो की थी, ठीक है, उसी को हमने रिपीट किया है. अब देखो स्टूडेंट, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया. बर्ड्स मेक नेस्ट या नेस्ट्स आर मेड बाय बर्ड्स, दोनों सेम ही है. ठीक है, सेंटेंस के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया, बट वो एक्टिव वॉइस में था. बर्ड्स मेक नेस्ट एंड नेस्ट आर मेड बाय बर्ड्स, ये पैसिव वॉइस में हो गया. ठीक है, नेस्ट ऑब्जेक्ट आगे आ गया, देन आर हेल्पिंग वर्ब, देन मेड verb third form, then by preposition and then birds subject. Now the question arises, when to use passive voice?
ठीक है, वैसे एक्चुअली मोस्टली हम एक्टिव वॉइस ही यूज़ करते हैं, बट वेन टू यूज़ पैसिव वॉइस समटाइम वेन यू डोंट नो द सब्जेक्ट, कई बार आपको पता नहीं होता सब्जेक्ट क्या है. फॉर एग्जाम्पल, माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन, ठीक है, माई पर्स ऑब्जेक्ट है, स्टोलन एक्शन परफॉर्म उस पर हो गया. अब किसने किया स्टोलन, किसने पर्स स्टोलन किया, वी डोंट नो, वी डोंट नो द सब्जेक्ट. तो समटाइम वेन वी डोंट नो द सब्जेक्ट देन वी यूज़ पैसिव वॉइस. एंड द सेकेंड थिंग इज, वेन यू वॉन्ट टू फोकस ऑन द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट रेदर देन हु डिड इट, जब आपका ध्यान इस चीज़ पे होता है भी एक्शन, ठीक है, क्या एक्शन हुआ है, किस पे हुआ है, ठीक है, आप ये नहीं देखते हो कि किसने किया है. लाइक हम जब नोटिस देखते हैं या कोई एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, उसमें होता है ना कि एक्शन क्या हो रहा है, किस पे हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसके अलावा कि एक्शन किसने परफॉर्म किया है. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड ज्वेलरी इज सोल्ड एंड बॉट हेयर. अब गोल्ड ज्वेलरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, सोल्ड एंड बॉट, ठीक है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं यहाँ पे. तो जब टू ही टाइम्स, टू ही कंडीशंस में ये यूज़ होती है पैसिव वॉइस, एक तो जब आपको सब्जेक्ट पता ही ना हो, और एक जब ऑब्जेक्ट और एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए एज़ कम्पेयर टू डूअर ऑफ द एक्शन, जो सब्जेक्ट है उसकी ज़रूरत ही ना हो. ठीक है, हमारा मेन फोकस सिर्फ एक्शन पे हो या ऑब्जेक्ट पे हो. अब नेक्स्ट बेसिक थिंग आती है, हाउ वी कैन कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. वेन एवर यू हैव टू कन्वर्ट अ सेंटेंस विच इज़ इन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, अब आपने जब उसको कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में, तो आपने कौन से पॉइंट अपने माइंड में रखने हैं. यू हैव टू रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स. फर्स्ट वन इज़, यू शुड आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस. सबसे पहले आपने जो सेंटेंस आपको गिवन है एक्टिव वॉइस में, उसमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब. देन सेकेंड स्टेप, चेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज करनी होती है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा. देन नेक्स्ट इज, चेंज गिवन फॉर्म ऑफ द वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. जो भी वर्ब की फॉर्म आपको गिवन होगी एक्टिव वॉइस में, यू हैव टू चेंज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. देन इंसर्ट हेल्पिंग वर्ब बिफोर मेन वर्ब. फिर आपने क्या करना होता है कि जो मेन वर्ब आपको गिवन है, उससे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है. देन इंसर्ट प्रेपोजिशन बाय बिफोर सब्जेक्ट. उसके बाद आपने सब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन यूज करनी है बाय. एंड स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर टू पॉइंट्स व्हेन यू आर चेंजिंग द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. व्हाइल चेंजिंग सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हो, ठीक है, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ अ प्रनाउन, और अगर सब्जेक्ट प्रनाउन है, देन प्रनाउन चेंजेस लाइक फॉलोइंग. ठीक है बेटा, जब आपको कोई सेंटेंस गिवन है, आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हो, और जो आपको सब्जेक्ट गिवन है दैट इज़ अ प्रनाउन, तो प्रनाउन चेंज हो जाते हैं जब वो सब्जेक्ट में से ऑब्जेक्ट बनते हैं, एक्टिव में से पैसे में जाते हैं, तो वो चेंज हो जाते हैं. लाइक आई, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई है, देन इन पैसिव वॉइस इट चेंजेस इनटू मी, ही चेंजेस इनटू हिम, शी चेंजेस इनटू हर, वी चेंजेस इनटू अस, दे चेंजेस इनटू देम, यू ही रहता है, और इट भी इट ही रहता है. स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट व्हेन यू चेंज एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंस, व्हेन यू रिप्लेस द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, दैट टाइम सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट इज इन अ प्रनाउन, देन सब्जेक्ट चेंजेस, वो प्रनाउन जो है वो चेंज हो जाता है. एंड सेकेंड पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर, वाइल चेंजिंग सेंटेंसेज इन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, एड अ प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब बिफोर द मेन वर्ब. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट जब आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो, तो मेन वर्ब के पहले आपने प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है. नाउ दिस हेल्पिंग वर्ब आपने ये चूज़ कैसे करनी है, इट डिपेंड्स ऑन द टेंसेस, कि जो आपको सेंटेंस गिवन है वो कौन से टेंस में है. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू ओनली टू टाइप्स ऑफ टेंसेस, ठीक है. फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस.
अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता है जहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगा होता है। दिस थिंग स्टूडेंट्स टेंसेज में आपको क्लियर ही है कि इन सिंपल प्रेजेंट टेंस इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगा होता है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय डिफॉल्ट प्लूरल होती है। एंड इफ आर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन टू मेक वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर वी हैव टू ऐड एस और ई एस विद इट, क्लियर। एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म इज ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट प्लूरल देन वी यूज इट सेम एज इट इज। तो स्टूडेंट यू हैव टू आइडेंटिफाई इफ द सेंटेंस गिवन टू यू इन एक्टिव वॉइस दैट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म, मतलब उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा है, देन इन पैसिव वॉइस यू हैव टू यूज इज एम आर एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, प्लस इज एम आर लगेगा। एंड नाउ इज एम आर यू नो ऑलरेडी डिपेंड्स अपॉन द सिंगुलर एंड प्लूरल, अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई के साथ एम। देन इन सिंपल पास्ट टेंस, अब सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की होती है। आपको एक्टिव वॉइस में जो भी सेंटेंस गिवन होगा दैट इन दैट सेंटेंस देयर विल बी अ वर्ब्स सेकेंड फॉर्म। देन व्हेन यू चेंज दैट सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस देन यू हैव टू चेंज वर्ब सेकेंड फॉर्म टू वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड हेल्पिंग वर्ब्स यू हैव टू यूज वॉज एंड वर। नाउ इट डिपेंड्स इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जो भी आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपका हो रहा है रिप्लेस हो रहा है दैट इज सिंगुलर देन वॉज, अदरवाइज प्लूरल है तो वर। क्लियर स्टूडेंट्स, आई एम रिवाइजिंग यू अगेन, यू हैव टू यूज अ प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब बिफोर द मेन वर्ब व्हेन यू आर चेंजिंग एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। और अब वो हेल्पिंग वर्ब कैसे चूज कर रही है, इट डिपेंड्स अपॉन द गिवन टेंस। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस गिवन है तो इज एम आर लगेगा, अगर सिंपल पास्ट है तो वॉज वर लगेगा, एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म तो आनी है वेदर इट इज सिंपल प्रेजेंट वेदर इट इज सिंपल पास्ट। सो दीज टू पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड, हेल्पिंग वर्ब आपने करेक्ट चूज करनी है, ओके। एंड लास्ट प्रनाउंस, ठीक है, जो लास्ट हमने पॉइंट किया है प्रनाउंस, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। एंड द सेकेंड वन इज correct helping verb, okay students, then now let's make it more clear with the examples. See, first we will discuss simple present tense. In simple present tense, look at the example in active voice sentence. In active voice we have the example, my mother bakes a cake. Now we have to रिमेंबर दोज फाइव पॉइंट्स विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, फाइव पॉइंट्स थे वो आपने याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एक्शन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नाउ माई मदर इज सब्जेक्ट, बेक्स इज वर्ब एंड अ केक इज ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू आइडेंटिफाई subject, verb and object, and second step is we have to replace subject and object, okay. Now in passive voice conversion we will replace, okay, this was our subject earlier, it was a subject, okay, object becomes subject and subject becomes object. Clear students? Now, first step was we have to identify subject, verb and object, and second step we will replace object as a subject and subject as a object. Our cake sub object tha, isko subject bana diya, and my mother jo tha wo subject tha usko object bana diya. Then third step is change karna hai, we have to change फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो वर्ब की हमारी फॉर्म है बेक्स, वी हैव टू चेंज इट इन टू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी बेक की, बेक्ड, ये V3 हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स, देन वी हैव टू, स्टेप नंबर फोर इज वी हैव टू यूज करेक्ट हेल्पिंग वर्ब।
अब स्टूडेंट्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है एंड आई टोल्ड यू इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज़ द हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर। अब आ केक जो है वो सिंगुलर है सो वी यूज़ इज। देन व्हाट इज लेफ्ट, फिफ्थ स्टेप वी हैव टू यूज़ अ प्रपोजिशन बाय। सो नाउ इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू हाउ वी आर कन्वर्टिंग द सेंटेंसेज इन एक्टिव वॉइस इन टू पैसिव वॉइस। लेट्स लुक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। नाउ अगेन इन सिंपल पास्ट टेंस वी हैव अ सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस द कैट ड्रैंक द मिल्क। नाउ अगेन वी हैव टू फॉलो दोज फाइव स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नाउ इन दिस सेंटेंस द कैट इज सब्जेक्ट, ड्रैंक इज वर्ब एंड द मिल्क इज ऑब्जेक्ट। क्लियर। सेकेंड स्टेप वी हैव टू रिप्लेस ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। आर ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स। वी हैव रिप्लेस्ड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, टू स्टेप्स वी हैव डन। देन थर्ड स्टेप इज वी हैव टू चेंज फॉर्म ऑफ द वर्ब इन टू थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन drank was second form, its first form is drink, second is drank and third is drunk, so it is v3 done. Then step number 4 we have to use correct helping verb. Now it is a simple past tense. In simple past tense we have helping verbs was and were. It depends. Now the milk is singular, then we use was. If there will be any plural subject, then we use were. So our this now the milk is singular, then we use was. Then step number 5, we have to use the preposition by. Now our this conversion is complete. Okay students, I hope this is clear to you. Don't do anything in hurry. Whenever you will get any exercise or any example in test or in exams to solve, to change active voice to passive voice, then keep the 5 points in your mind. Okay, keep those 5 points in your mind. What are? Number 1, you have to identify subject, verb, object. Number 2, you have to replace subject and object. Number 3, you have to change form, given form of the verb into third form of the verb. Step number 4, you have to use correct helping verb. And step number 5, you have to use preposition by. Then your conversion will be always correct. Okay students, I hope today you enjoyed this video and everything is clear to you. But still, if you have any doubt or any query, you can ask me anytime. Thank you very much and have a nice day.